जमीन को हड़पने व कब्जा करने की फिराक में, फर्जी अभिलेख तैयार करने, सरकारी अभिलेखों में हेराफेरी करने व डराने धमकाने की शिकायत को लेकर यह महिला मंगलवार को जिलाधिकारी के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंची। महिला का नाम मंजूलता है। वह थाना व तहसील निजामाबाद के ग्राम तिग्गीपुर की निवासिनी है। उन्होंने बताया कि उनकी जमीन कब्जा करने और हड़पने की मंशा से दबंग मुस्लिम परिवार उन्हें निर्माण कार्य नहीं कराने दे रहा है। उनके द्वारा अभिलेखों में कराई गई हेरफेर के चलते उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही, जिसके चलते न्याय के लिए उन्होंने जिलाधिकारी से गुहार लगाई है। अपने प्रार्थना पत्र के जरिए उन्होंने जिलाधिकारी से दबंगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और कार्यवाही किए जाने की मांग की। बाइट मंजूलता पीड़िता कली मैम, आप इनसे क्या संबंध है आपका, क्या है? मैं इनका पड़ोसी हूँ। क्या है मामला इनका? इनका जमीन का मामला है। किस तरीके की जमीन? जमीन इनका बाप दादे से इन लोगों का नाम था और बीच में ये सिराज अब्बास और मिराज हैदर, ये लोग फर्जीवाड़ा करके रिकॉर्ड रूम से नकल जारी कर लिए। फिर निजामाबाद एसडीएम साहब इसके पहले जो थे उनसे अपना नाम नकल में अब्लिकों में चढ़वा लिए। फिर उसके बाद जब इनको जानकारी हुई तो ये अपना इधर उधर अधिकारियों के बीच में गए, फिर इनका नाम नकल में चढ़ गया है। फिर उसके बाद जब ये मकान बनवा रहे हैं तो बनवाने नहीं दे रहे हैं, डरा रहे हैं, धमकवा रहे हैं। और इनका जो लोग 420 का फरार किए थे उनके ऊपर ये चाह रहे हैं कि एफआईआर हो। एफआईआर नहीं हो रहा है। कहाँ पे ज़मीन है, कितनी ज़मीन है? निजामाबाद कस्बे में टाउन अंदर, जो कि 5.5 बिस्सा। कितनी लागत की होगी ज़मीन? ये ज़मीन की लागत 20 से 25 लाख रुपये की। भूमाफिया डरा धमका के उनका काम है अब्लिकों करके फिर पैसा वसूलने का। ये पीड़िता हैं, इनके पिताजी नहीं है, माताजी नहीं है, ये काफ़ी परेशान है, ये पैसा भी नहीं दे पाएंगे। आप लोग सहयोग करें? हम सहयोग करने के लिए आए हैं इनका। तो आप मतलब थाने वगैरह चक्कर लगाए? एसपी ऑफिस थाने पे भी एप्लीकेशन दिया गया है 8 तारीख को, फिर उसके बाद आज यहाँ आए हैं। डीआईजी साहब के यहाँ गए हैं तो डीआईजी साहब ने भी आश्वासन दिया है एफआईआर करने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू गुप्ता है। कहाँ की रहने वाली है? निजामबाद की रहने वाली। क्या समस्या है कि आप जो कलेक्ट्रेट पे आई हैं डीएम साहब के? मैं उधर चाहती हूँ अपनी मेरी ज़मीन है, मुझको उसका नहीं मकान नहीं बनवाने दे रहा है, परेशान कर रहा है। कौन? सिराज अहमद, मिराज अहमद। हाँ, क्यों आखिर? अब दबंग है, मैं लेडीज जात हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? जमीन पे जो कागज आपका है वो तो आप ही के नाम से होगा? जी, मेरे बाप माँ नहीं है। हाँ, तो कागज तो आप ही के नाम से होगा? जी। तो फिर तब क्यों नहीं बनवाने दे रहा है? वो दबंग है, नहीं बनवाने दे रहा, मैं क्या करूँ? क्या आपकी कागज इधर उधर लेकर भटक रही हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या आपके कागज के साथ फर्जीवाड़ा वगैरह हुआ है? जी। किस तरीके का फर्जीवाड़ा? रिकॉर्ड रूम से। क्या किए? नकल जारी करी, फर्जी नकल जारी। तो आप कहाँ गई आप, किसके किसके पास गई? डीएम साहब के यहाँ गए थी, निजामबाद गई थी, थाने पर गई थी। तो क्या कोई सुनवाई नहीं हो रही? जी नहीं। क्या कह रहे हैं लोग? एफआईआर नहीं लिए थाने वाले। आखिर क्यों नहीं लिखते हैं? क्या पैसे वाला है इसलिए? हाँ, पैसा वाला है वैसी। क्या चाहती हैं आप? एफआईआर करना लिखवाना चाहती हूँ।